हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने हरियाणा जीके में यानी कि जो आपका एक हरियाणा एक परीक्षा है, इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये भाग हमारा दो है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें, उसके बाद ही इस भाग को देखना, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जो भी डाटा है, जो भी कुछ है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आज हम ये देखेंगे कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय यानी कि देश में प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, कौन विधानसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे देखेंगे। एक तो आपको पता होना ज़रूरी है, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा जब राज्य बना था कौन से नंबर का राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। और कब की बात है, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना था हरियाणा। अब यहाँ से राज्य बनने से पहले आपका एक मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो आपके थे मेहर सिंह। मेहर सिंह एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। ऐसे क्वेश्चन आएगा जब संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय यानी कि पूछ लेगा 26 जनवरी 1950 की बात है, उस समय ये अलग राज्य नहीं था, तो ये संविधान के समय भी पूछ सकता है कि उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एरिक बेस्टेन। ऐसे ही पूछ लेगा जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे रामलाल। ध्यान रखना, ये जो रामलाल है आज़ादी के समय के थे, और इनका संबंध कहाँ से है, तो ये आपके रोहतक से हैं। और जब पहली बार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गठन किया गया, भारत सरकार अधिनियम आपसे पूछ सकता है, भारत सरकार अधिनियम 1915 था और स्थापना मार्च 1919 में हुई थी, और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे सादीलाल बत्रा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ये सादीलाल बत्रा इनका संबंध कहाँ से है, ये आपके रेवाड़ी से थे। तो ये जो मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके हरियाणा एक परिचय में ही आएंगे, क्योंकि इनसे इनका संबंध रहेगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है, तो ध्यान रखना अमरनाथ भंडारी। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, ये 1952 से ये 59 तक रहे हैं। और जब 17 जनवरी 1955 को जब आपका शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो उस समय अमरनाथ भंडारी ही आपके मुख्य न्यायाधीश थे। और सबसे कम समय के लिए पूछ लें कि आपके जो न्यायाधीश है वो कौन रहे हैं, तो देवी सिंह तेवतिया सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे थे, मात्र 14 दिन के लिए रहे। और एक कौंडल एक स्थान है जो डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है, तो यहाँ से इनका संबंध था। तो ये जो एक ढांचा है इसका, इसके साथ संबंध है, ये आपके लिए ज़रूरी थे, हमने आपको बता दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दो बार क्लास को देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो देख लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बाकी ये ढांचा है, इसमें समय लगेगा, एक पार्ट बना दिया है, कोशिश करूँगा कि आज ये कंप्लीट हो जाए। अब देख लेते हैं, हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये थे भाई, ठीक है ना, पूछ लेगा उस समय राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब की बात है, जब हरियाणा राज्य बना। आगे बनेगा, हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति पूछ ले तो जाकिर हुसैन थे। ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो
कौन थे? जाकिर हुसैन थे। जब उपराष्ट्रपति थे कौन थे? जाकिर हुसैन थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन बनेगा, गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जब हरियाणा का गठन किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय आपकी जो प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। कौन से नंबर का था? 17 नंबर का, ठीक है। आगे बनेगा, गठन समय लोकसभा अध्यक्ष कौन था? हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ है लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो हुकम सिंह। कौन थे? हुकम सिंह। तो इन्हीं ने ही एक सिफारिश की थी हुकम सिंह ने, ठीक है ना, अलग राज्य के लिए। तो आपको ध्यान रखना, लोकसभा के ये हुकम सिंह थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। ये सेंटर के क्वेश्चन है क्योंकि इनका संबंध हरियाणा जीके से है। आगे देखते हैं, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? देखो, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? जाकिर हुसैन। तो राज्यसभा के, यानी कि हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के भी अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यही उपराष्ट्रपति हैं और यही राज्यसभा के अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना, यहाँ से बन जाएगा लोकसभा के हुकम सिंह है, वो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से लगभग इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हरियाणा गठन समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था? यानी कि हरियाणा का तो हमने आपको बता ही दिया था, उस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कौन था, देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको ध्यान रखना, ये थे देश के आपके के एम राव। तो ये मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश मतलब ये आपके कहाँ के थे? सुप्रीम कोर्ट के। ये कहाँ के थे? सुप्रीम कोर्ट के। और हरियाणा जब बना है जब तो आपके महर सिंह थे। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और यहाँ से बनेंगे। अगला बनेगा आपका, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो हमने आपको बता दिया जब गठन हुआ था, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन था? एम वी कृष्णा मूर्ति, ठीक है ना। तो ये लोकसभा किसके? लोकसभा के ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। लोकसभा के ये आपके उपाध्यक्ष रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको अलग से कुछ क्वेश्चन बताए, ये सभी जरूरी थे आपके लिए। अब आगे देखते हैं, हरियाणा का गठन यानी कि कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, हरियाणा गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ? लोकसभा कौन सी थी जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो ये थी आपकी तीसरी लोकसभा। कौन सी चली हुई थी? तीसरी लोकसभा जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा और पूछ लेगा, हरियाणा राज्य का गठन जब हुआ उस समय कौन सा वित्त आयोग था? वित्त आयोग कौन सा था? तो हरियाणा राज्य का गठन, देखो वित्त आयोग कौन सा चला हुआ था? 1965-70 तक आपका एक वित्त आयोग था। और जब हरियाणा राज्य बना था 1966 में बना है, तो 65 के बाद 66 आएगा, 67 आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा, फिर 70 आएगा। तो ये कौन सा वित्त आयोग था? चौथा ही आपका वित्त आयोग था। तो क्वेश्चन बन जाएगा, हरियाणा राज्य का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ? चौथा जो वित्त आयोग था उसके दौरान इसका गठन किया गया। और चौथा वित्त आयोग कब से कब तक चला है? 1965-70 तक चला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और उस समय उसके अध्यक्ष थे मन्नार नाम के व्यक्ति थे, वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। यानी कि पी वी राजा मन्नार, ये यानी कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मैं लिख रहा हूँ पी वी राजा मन्नार। तो ये वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना। और अगर पूछ ले कि हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन था, ठीक है, जो वित्त मंत्री बना था हरियाणा का, अगर महिला पूछ ले तो ओम प्रभा जैन रहेगी कैथल से, ये मैंने आपको लास्ट बताया था। अगर पुरुष पूछ ले कौन से पहले व्यक्ति वित्त मंत्री बने थे हरियाणा के, तो मूलचंद जैन, जिसे हरियाणा का गांधी भी कहते हैं, तो वो आपके वित्त मंत्री थे। आपको ध्यान रखना, वो क्वेश्चन भी आपका वहां से बन जाएगा। पुरुष में आपका मूलचंद जैन रहेगा, सोनीपत से बिलोंग करते हैं, और महिला आपकी ओम प्रभा जैन है। और उनका संबंध कहाँ से है? वो कैथल से है। और वो देश की पहली ही
महिला थी जो वित्त मंत्री बनी थी। ध्यान रखना कैथल से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जरूर ये क्वेश्चन आपके लिए, अभी बजट पेश हुआ है और अब की बार जो वित्त डिपार्टमेंट है वो स्वयं यानी मुख्यमंत्री के पास में, ऐसा पहली बार हुआ है जिस किसी मुख्यमंत्री ने वो डिपार्टमेंट अपने पास में रखा है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो मुख्यमंत्री और वही वित्त डिपार्टमेंट का अध्यक्ष रहे, आज तक नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है इस सरकार में कि मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं, आगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन और यहां से बनेंगे देख लेते हैं। हरियाणा का प्रथम संत, तो ये तो मैंने कई बार करवाया, हरियाणा का प्रथम संत कौन था, जब परिचय की हम बात करते हैं तो संत दादू दयाल, कौन है, संत दादू दयाल। ये संत दादू दयाल वो व्यक्ति हैं, कहाँ से हैं, चरखी दादरी से हैं, कहाँ से हैं, चरखी दादरी से इनका संबंध रहेगा, और ये आपके पहले संत माने जाते हैं। और भक्ति शताब्दी अगर हरियाणा की पूछ ले, भक्ति शताब्दी हरियाणा की कौन सी रहेगी, तो 18वीं शताब्दी है, कौन सी शताब्दी है। और भक्ति नृत्य अगर हरियाणा का पूछ ले तो भक्ति नृत्य, देखो क्वेश्चन आते हैं, भक्ति नृत्य है चौपाया, भक्ति नृत्य कौन सा रहेगा, चौपाया। तो ये तीन क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन जाएंगे इस एक हरियाणा एक परिचय में, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे, हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे आपके शेख मोहम्मद तुर्क, कौन से थे, शेख मोहम्मद तुर्क, हरियाणा के प्रथम सूफी संत, सूफी संत कौन थे, तो शेख मोहम्मद तुर्क, शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य का पहला कवि, कितनी बार मैंने आपको बताया, उदय भानुवंश से, ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा शुरू किया गया, हरियाणा का सर्वोच्च या सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार, हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि, सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है, देवीलाल पुरस्कार है, कौन सा है, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल या चौधरी देवीलाल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपका कृषि पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, कृषि से संबंधित है, और राज्य स्तर पर जो टॉप आता है कृषि में उसे 1,00,000 रुपये, कितनी राशि देती है सरकार, 1,00,000 रुपये देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौधरी देवीलाल को हरियाणा का जननायक कहते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं, ठीक है ना, किंग मेकर कहते हैं, शेर और हरियाणा कहते हैं, राजनीति का भीष्म पिता भी कहते हैं, तो ये सारे नाम किसके हैं, चौधरी देवीलाल के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन है जो मेन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। आगे आता है, हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश पूछ ले, अक्षांश विस्तार हरियाणा का कितना है, विस्तार, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो बन जाएगा आपका, एक तो 27 से 30 है, 27 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है ना, 27 से 29 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये बनेगा, और ये 30 से 75 तक है, 27 आ जाएगा और 30 से 75 डिग्री तक आ जाएगा, ये मतलब एक आकृति के अकॉर्डिंग आपको देखना है। दूसरा है देशांतर पूछ लें, देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार अगर आपसे पूछ लें तो हरियाणा का कौन सा बन जाएगा, देशांतर है 74-28 से, ठीक है ना, ये माइनस वगैरह भी ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना, वैसे है नहीं, ऐसे आएगा या फिर वैसे आएगा सिंपल, ठीक है ना। तो ये डिग्री 28 से ये आपका है 77-36 डिग्री तक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, तो भाई इसको भी मैं रफ करता हूँ, और एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो आपके हो गए हैं, आगे देख लेते हैं एक बार, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो वो भी देख लेते हैं। सच्चर फॉर्मूला का गठन कब किया गया, तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, सच्चर, सच्चर फॉर्मूला, ठीक है ना, सच्चर फॉर्मूला का गठन कब हुआ गया, 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को ये गठन किया गया कि भाई हरियाणा को अलग से राज्य बना दिया जाए, बाकी एक दिन ये अलग से बता देंगे सारी चीज़ें आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना। और सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग, ठीक है ना, तो सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग किसने उठाई, पीर ज़ादा मोहम्मद 1907 की बात है, ठीक है ना, 32 में भी उठाई गई थी, धीरे धीरे उठाई गई, लेकिन इसका नाम सबसे पहले आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई थी
उससे पहले हरियाणा किसका भाग था, किसका भाग था 1857 क्रांति से पहले हरियाणा किसका भाग था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भाग रहेगा। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किसका भाग बन गया, पंजाब का, किसका भाग बन गया, पंजाब का। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब को कितना क्षेत्र दिया गया, हरियाणा को कितना क्षेत्र दिया गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पंजाब को तो जैसे कोई एरिया अपने आप में 100% होता है, अगर मैं इसको बांट देता हूँ, ये दोनों पंजाब और हरियाणा है, तो यहाँ से हरियाणा को 35.8 मिला है लगभग, बाकी का जो क्षेत्र था 64.2 के करीब। तो ये आपका किसको मिला है, ये आपका पंजाब के हिस्से में आया, यानी कि बहुत ही छोटा है आपका हरियाणा। तो एक ढांचे के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कैसे कौन सी घटना हुई थी आपको समझा दिया, बहुत सारी क्लास हमने डाल दी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे, मतलब कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, कौन राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन सा वित्त आयोग था, किसके दौरान गठन हुआ, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन से पहले संत थे, मतलब कि अक्षांश से देशांतर, ये कर्क रेखा, इससे वाले टॉपिक मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कितनी दूरी पर है हरियाणा। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका हम जरूर जवाब देंगे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे। और मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।